यहाँ कोई बड़े मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं पेश किया जा रहा है, कोई कलाकार आखिर यहाँ बड़े ऐसे कुछ चीज प्रस्तुत करने के लिए और आपके लिए एक मनोरंजन का बड़ा एक कार्यक्रम आपके सामने पेश करने के लिए नहीं ये लोग तैयारी की है। हम लोग जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया उसने, उसका एकमात्र पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए, इस जगत को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, स्वर्ग की अनंत काल की जीवन हमें दिलाने के लिए इस जगत में उसको मनुष्य के रूप में भेजा था। वो बैतलहम में जन्म लिया, शिशु को सुलाने के लिए कोई जगह नहीं पाया, इसलिए चरनी में उसको सुलाना पड़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर झुककर इस जगत में इंसान बनकर आया, चरनी में सोया। उसके स्मरण में विश्व के सारे देशों में लोग इकट्ठे होते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। उसमें खुशी है, उसमें आनंद है, साथ साथ आराधना है, अपने आप को अर्पण करने वाली बात भी है। इसलिए हम ऐसी एक प्रार्थना हृदय में करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख झुकाते हुए इस सभा में भाग लेंगे। आप लोग तालियां बजा सकते हैं, आप लोग खुशी मना। मेरा कहने का मतलब था, जब यहां कुछ प्रोग्राम किया जाएगा तब आप लोग तालियां बजा सकते हैं। अभी भी बजाया अच्छा ही है, क्योंकि मेरे लिए तालियां कभी मिलता नहीं है, तो आज मिला, अच्छा हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि जब हम बच्चे लोग कुछ करते उनको प्रोत्साहन करने के लिए हम तालियां, उसमें एकदम कंजूसगिरी नहीं करना, तालियां बजाने में कंजूसगिरी नहीं करना, कंजूस नहीं होना। और किसी को विसिल मारने आते विसिल भी मार सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक बार कर सकता है। या और यहां कोई शहरी वगैरह आएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अरे वाह 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 ऐसा बोलने का होता है, शहरी समझ में नहीं आया तो भी बोलना वाह वाह। आइए हम शुरू करते हैं, हम एक प्रार्थना के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरे इतना महान प्रेम जिसके कारण तूने यीशु मसीह को, जो हमारा एकमात्र उद्धार करता है, इस जगत में इंसान के रूप में भेजा। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद इस अनोखा प्यार के लिए, धन्यवाद इस महान कुर्बानी के लिए, धन्यवाद हे यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देता। तेरे जन्मदिन दिन का स्मरण करते हुए, तेरे उपस्थिति में आकर तेरी आराधना करने के लिए, तेरे सम्मुख झुकने के लिए, आनंद मनाने के लिए तूने हमें अब एक बार अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। जो भी हम करेंगे, हम गाएंगे, हम बोलेंगे, हम दिखाएंगे, सब कुछ तेरे हित के अनुसार हो, तेरे नाम की महिमा का कारण बन जाए, और ये झुंड बहुत ऐसी आशीष पाए, आदि से अंत तक में चला। प्रभु हर चीज का नियंत्रण तेरे हाथ में रहे और तेरी प्रभुता बने रहे, यीशु के अद्भुत नाम से मांगता, आमीन रामीन। धन्यवाद धन्यवाद। सबको ये गाना आता नहीं होगा, आपके पास एक शीट दिया गया है, वो शीट का पहला गाना है, वन नंबर लिखा होगा।
उसके पास शीट नहीं है लगता है, उसको नहीं मिला ना शीट, नहीं वही है ना. All ye faithful, joyful and triumphant, O come, ye, O come, ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord. Sing chorus of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord. Yeah, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. और पराक्रम की आत्मा और यहोवा के भय की आत्मा
वाह थैंक यू वाह वाह और जैसे फादर ने कहा कि कुछ कुछ शायरियां यहाँ होगी तो सही बात है वो होगी लेकिन शायरी ऐसा नहीं होते एकदम मुंह पे स्पीक माइक रख के ओके तो एक शायरी जो मैं इस साल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पहली शायरी वो बोलने से पहले मुझे सिर्फ जानना था कि आज कितने लोग जो पहली बार यहाँ आए हैं तो जरा हाथ उठाएंगे क्या पहली बार जो यहाँ आए हैं फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पे कितने लोग आए हैं 3, 3, 6, 7, 8 12 जन है जो नए हैं जो मेरी शायरी है खास करके आप लोगों के लिए जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए तो जो शायर है वो ऐसा कहता है कि वो जातियों में मतलब जातियों का बंदा है जो बहुत तकलीफ में था और उसने यहाँ वहाँ बहुत जगह नज़र लगाई मगर उसका जीवन बदला नहीं मगर जब उसने यीशु मसीह पे नज़र लगाई तब उसके लाइफ में क्या हुआ वो शायर पेश करता है जरा गौर फरमाइएगा खासकर वो जिन्होंने हाथ उठाया था पत्ते पत्ते पे नज़र डाली 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 पे नज़र डाली पत्ते पत्ते पे नज़र डाली 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 पे नज़र डाली हर उस पीर और बाबाओं पे नज़र डाली पर जब मैंने यीशु मसीहा पे नज़र डाली पर जब मैंने यीशु मसीहा पे नज़र डाली तब 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 मसीहा ने मेरी जिंदगी बदल डाली मेरी जिंदगी बदल डाली चॉकलेट मिलते हैं जैसे कि हम सब क्रिश्चियंस हैं तो जैसे बाकी लोगों को भी त्योहार होते हैं वैसे हम भी हमारे प्रभु के नाम में एक त्योहार मनाते हैं हमारा भी कोई त्योहार होना चाहिए हम तो टीचर हर साल वेकेशन के लिए आते हैं ये तो मेरा फेवरेट टाइम है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि
क्रिसमस का मतलब अंधकार पर ज्योति के जीत का सेलिब्रेशन है, क्योंकि उसी दिन ज्योति जगत में आई और हमने एक नया जीवन पाया। तो समझ गए ना बच्चों? अभी भूलेंगे तो नहीं? नहीं। तो चलो हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। But a Kaisaka Parameshwar, He is from the eternity without beginning to eternity without end. Wo Anadi se Anant Kal tak jeevit hai. He is the Alpha and the Omega. Wo Alpha aur Omega hai. He created this universe out of nothing, will bring it to nothing to create it new. Shunya se usne is sampurna jagat ko sirjaya aur usi jagat ko mithakar naya banayega bhi. He created man out of dust of the earth and shall crown him with glory and honor. Dharti ki mitti se usne manushya ko banaya, mahima aur aadar ka mukut usko pehnayega. He descended to the deepest pit to ascend to the highest heaven. Wo dharti ki gehrai tak utra aur sabse uncha swarg ko aarohan kiya. He covers himself in darkness and shines forth like consuming fire. वो अपने आप को अंधकार से ओढ़ लेता और जल्दी अग्नि समान शोभायमान रहता. He being the king of kings becomes a humblest servant. राजाओं का राजा होकर भी वो सबका दास बनता है. He despite having countless angels serving him stoops down to wash the sinner's feet. अनगिनत दूत लोग उसकी सेवा में हैं, फिर भी वो झुककर दासों का पैर धोता है. He having been seated in the bosom of the Father, chose to be forsaken by Him. पिता की गोद में बैठने वाला होकर भी वो पिता से त्यागा गया. He being the only sinless man comes seeking for the sinner. सिर्फ एकमात्र निर्दोष इंसान होकर भी वो पापियों के लिए खोजने आया. He being the author of life laid down His life for those dead in sin. जीवन का स्रोत स्वयं होकर उसने पाप में मरुओं के लिए अपना प्राण छोड़ दिया. He brings the farthest sheep to be nearest to the shepherd. सबसे दूर भटकने वाले भेड़ को चरवाहा के सबसे निकट लाता है. He renders the weakest stronger than the strongest. सबसे कमजोर को सबसे बलवंत बनाता है. He makes the most foolish wiser than the wisest. सबसे बड़े मूर्ख को सबसे बड़ा ज्ञानी बनाता है. He makes the vilest sinner holier than the righteous ones. सबसे नीच पापी को सबसे पवित्र बनाता है. He makes the dirtiest whiter than snow. सबसे मलिन को हिम से अधिक सफेदवान बनाता है. He makes a heart harder than flint to be softer than wax. पत्थर का काटी दिल को वो मोम समान नरम बनाता है. He lifts the poor from the debris and sets them with a prince. वो दरिद्र को कचरे से उठाकर प्रभु कुमारों के साथ बिठाता है. He being the son and the heir keeps interceding for his hapless children. पुत्र और वारिस होकर भी वो निराधारों के लिए बिचवई करता है. He being the crown prince of heaven comes for his bride from the earth. स्वर्ग का राजकुमार होकर भी वो धरती से दुल्हन को चुन लेता है. Yes, he is Jesus Christ, the King of Kings, Mighty God, Heavenly Bridegroom, the God of Extremities. हाँ, वो ही यीशु क्रिस्त है, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय दुल्हा, परखास्ता का परमेश्वर. Thank you. सर लगाइए. Yes, sir. वो तेरा ध्यान किधर है? यो तेरा शायर इधर है. अच्छा, अभी जैसे मैंने पहली शायरी पेश की उन लोगों के लिए थी जो पहली दफा पहली बार प्रभु की उपस्थिति में आए. अब दूसरी शायरी मैं पेश करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं ये क्वेश्चन करूंगा. हमारे चर्च में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं, जो अपने आप को बुढ़ा समझता है? मैंने ये क्वेश्चन इधर से नहीं किया. तो अमिताभ बच्चन के स्टाइल में आता था बुढ़ा हमारा बाप.
हूँ। कोई है ऐसा जो समझता है? जिन्होंने हाथ उठाया मैं गिनता नहीं हूँ, नहीं तो डायरेक्ट शायरी से आता हूँ। गौर फरमाइएगा ऐसे लोग जिन्होंने हाथ उठाया। मेरा यीशु मसीह आरो हर मर्ज की है दवा, मेरा यीशु मसीह आरो हर मर्ज की है दवा, उससे पाकर तो बुढ़े भी हो जाते हैं जवान। और धन्यवाद गुरु का। मैं मीका से 5 अध्याय का 2 से 4 तक। हे बेतलहम की एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निगलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वो उनको उस समय तक त्यागी रहेगा जब तक चर्चा उत्पन्न ना करे। तब इसराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौट कर उनसे मिल जाएंगे, और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी को छोड़कर महान ठहरेगा। आमीन।